ये कौन सी लॉजिक है? का मतलब है कि आप किसी भी हाइट में बाल करो तो आपको आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कोलकाता ने आज खाली मैच नहीं जीता बल्कि आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, इससे बड़ा क्या मैच हो सकता है? अंपायर इतना कोई बीकेएल था, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये विराट कोहली को तूने जो आउट दिया ये आउट है? मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं ये डंडा ले को तेरे अंदर दे दूं यार। किसी ऐसे बंदे, यार मेरी बात सुन, हम गली क्रिकेट खेलते हैं ना, गली क्रिकेट में बट्टे भी आप मार सकते हो, उधर भी पता है कि ये नॉट आउट है। गली क्रिकेट में भी हम लोग कम अज कम ये आउट नहीं देते, तूने इंटरनेशनल लीग में आउट दे दिया, तेरी मैं मार। ये तो नॉनसेंस हुआ ना काम। मतलब इसमें मुझे लॉजिक बताओ यार, एक बंदा है और वो विराट कोहली है, इजीली उसको आउट दे दिया और वो नॉट आउट है। केकेआर वर्सेस आरसीबी कोई मैच नहीं था बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा था। एक ऐसा सिनेमा जिसे आप जितनी बार देखेंगे आप कहेंगे उफ व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ विन। मतलब इस मैच में सब कुछ था। इस मैच में रसल का वो मसल पावर था, उनकी वो सटी गेंदबाजी थी, 25 करोड़ के स्टॉक को पड़ने वाले छक्के थे, विराट कोहली का दी एंग्री यंग मैन वाला वो अवतार था, कर्ण शर्मा की वो बल्लेबाजी जिसके मुरीद दुनिया हो गई, सिराज का वो दिल टूट जाना, आरसीबी के फैंस का भावुक हो जाना, गौतम गंभीर के चेहरे एक्साइटमेंट का टॉप पर जाना, आई मीन एवरीथिंग वॉज देयर। अगर आप आरसीबी के फैंस हैं तो आज थोड़ा सा आपके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि आज आप भी जीतना डिजर्व करते थे, आप भी, क्योंकि केकेआर भी जीतना डिजर्व करती थी और केकेआर ने मैच जीत लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हमारे चैनल पर एक खास वीडियो है, आईपीएल के थ्रिलिंग मैच आरसीबी और केकेआर के बीच का रिएक्शन वीडियो, लेकिन एक पाकिस्तानी फैन के नजरिए से। देखिए इन एपिक रिएक्शंस को, ये जैसे एक इमोशनल सफर है हम सबके साथ में। आज हम उस मैच के मोमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है, फील्ड शॉट के बाउंड्री स्मैशिंग स्प्री से लेकर उस आखिरी ओवर तक जो हमने खाना चबाने पर मजबूर कर दिया। और ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, हमने एक ट्विस्ट के साथ वो ड्रामा दोबारा क्रिएट किया है। अब आपकी बारी है, आपने विचार कमेंट्स में छोड़ो। ये और भी अच्छा होता कि अगर करण शर्मा मैच को फिनिश कर जाते। आज आरसीबी ने जीता हुआ मैच अपने हाथ से गवाया, और खाली ये मैच नहीं, ट्रॉफी भी अपने हाथों से गवाई है। वरना मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आखिरी ओवर कर रहा हो और आपको चेस करना हो तकरीबन 21 स्कोर, और फिर भी आप 3 छक्के मार दो, 2 बॉलों के ऊपर 3 रह जाए और वो आप कर ना पाओ, तो ये मैं यही समझूंगा कि आरसीबी की तो एक तो किस्मत बड़ी फूटी इस सीजन में पाई गई, दूसरा ये कि आरसीबी की टीम को खुद सोचना चाहिए। आज के मैच का जो रियल डिफरेंस था ना, वो था एंड्री रसल। चलो डिस्कस करते हैं कि आरसीबी को धोखा दिया गया या फिर केकेआर ने सच में उनका चमकता मोमेंट्स पकड़ा। जब तक एंड्री रसल ने ओवर करवाना शुरू नहीं किया तब तक आरसीबी ये मैच जीत रहा था यार। 13 ओवर के अंदर 150 स्कोर था, पीछे स्कोर कितना रह गया था, रिकॉर्ड रन रेट इनका 11 का था, रिक्वायर्ड इनको 9 चाहिए था, उसके बावजूद आरसीबी मैच हार गया। रसल ने जो बॉल्स फेंकी जिसके ऊपर रजत पतिदार आउट हुए, विल जैक्स आउट हुए, वो मैच वहीं पे चेंज हो गया था। उसके बाद सुनील नारायण ने 2 विकेट्स निकाल दी कि मैच के पूरे सिनेरियो को चेंज करके रख दे, जहां पे 2 आउट थे वहां पे एकदम से 6 आउट हो गए। फिर दिनेश कार्तिक मैच को डीप लेके गए लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। प्रभु देसाई जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर के ऊपर आए थे वो भी एंड टाइम पे आउट होकर चले गए। लॉन्ग रूट गलत तरीके से आउट होकर चले गए। विराट कोहली की आउट की तो मुझे समझ ही नहीं आई। आज के मैच के अंदर विराट कोहली को भी चाहिए था स्टार्ट से रन करता, लेकिन वो जो जिस तरीके से आउट हुए वो मेरी समझ से बाहर था। फैब डू प्लेसी को अगले मैचेस में खेलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और कैमरून ग्रीन को तो इनको बाहर कर देना चाहिए। मैं पर्सनली तौर के ऊपर आरसीबी की टीम से इंतहाई किस्म का दुखी हूं कि इतना इनको सपोर्ट करो और ये कैसी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। खाली आज ये टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, इन्होंने आईपीएल के अंदर जो एक चांस था ना, सबसे बड़ी तो टीम है विराट कोहली की सपोर्ट, जैसे कहते हैं पूरी फैन बेस इस टीम के साथ है। अब विराट कोहली ही इस टीम क्या, जैसे कहते हैं टीम क्वालिफाई नहीं कर सकते, विराट कोहली क्या कर लेगा? लोगों का जो क्रेज था आरसीबी के लिए वो तो खत्म हो जाएगा एकदम से, टूर्नामेंट की हाई भी कम हो जाएगी। हालांकि मिचेल स्टार्क ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर एक ही पोजीशन के ऊपर 3 छक्के खा ले, वो भी किसी बल्लेबाज से नहीं, करण शर्मा जैसे बॉलर से, बंदा सोच में पड़ जाता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, शानदार किस्म का कैच उसने पकड़ लिया, करण शर्मा को आउट कर लिया बंदा। देखे कर मिचेल स्टार्क ने गलती से सीखा नहीं, मिचेल स्टार्क ने पहला छक्का जहां पे खाया वहीं पे बॉल की दूसरा पड़ा, वहीं पे बॉल की तीसरा भी पड़ा। और सबसे मजे की चीज ये थी कि फील्डर भी सिर्फ 4 बाहर अलाउ थे, टाइम लेट हो चुका हुआ था, दूसरा मैच शुरू हो चुका था गुजरात और पंजाब का, लेकिन फिर भी चल रहा था मैच। और ये आरसीबी को मैच जीतना चाहिए था यार, ये टारगेट चेस करना चाहिए था, ये आरसीबी के हाथ के अंदर था। विल जैक्स और रजत पतिदार ने मैच इनको बना के दे दिया था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो इतना ही था, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।